सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो क्वेश्चन होने वाला है क्लास 12 फिजिक्स का क्वेश्चन होने वाला है। तो यदि आप फिजिक्स का टोटल वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन को बनाना शुरू कर दिया, हल कराना शुरू कर दिया है, ठीक है? क्योंकि आज इसको हम हल कराएंगे, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए। यदि आपने नहीं देखे हैं वीडियो, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके वहाँ से देखें। सबसे पहला लिंक फिजिक्स का होगा, दूसरा केमिस्ट्री का और तीसरा मैथ का। तो सब वीडियो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और यदि आपको कोई टॉपिक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, वीडियो जब पसंद आए और करिए आप, देखिए लाइक सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा भी थोड़ा हौसला बुलंद होगा, बढ़ेगा, ठीक है? तब चलिए इसको बताते हैं। तो देखिए, वूस्टर ब्रूस्टर का नियम क्या है? क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से, ब्रूस्टर का नियम क्या है तथा इसे सिद्ध कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तब भी आपको ऐसे ही करना जैसे हम बताने वाले हैं। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रूस्टर का नियम क्या है, सिद्ध कीजिए कि ध्रुवण कोण पर आपतित होने वाली किरणें तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती है। लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएंगी वो दोनों मिलकर, ठीक है? तो परस्पर लंबवत होती है, ऐसे पूछ सकता है। अगर पूछे कि ब्रूस्टर का नियम क्या है, तो केवल आपको इतना करना है, ठीक है? एक नंबर में पूछेगा, और जो हम कराने वाले हैं यदि पूरा पूछेगा तो वो 4 नंबर में पूछेगा। कितने? 4 अंक में ये क्वेश्चन आप पूछेगा, यदि आप पूरा पूछता है वो। अब चलिए इसको बताते हैं। तो ब्रूस्टर का नियम क्या है कि ब्रूस्टर ने कहा था, ये ब्रूस्टर ने ये नियम सन 1811 में दिया था। कितने में दिया था? 1811 में, ठीक है? आप इसको याद कर सकते हैं, 1811 में ये नियम दिया था। क्या कहा था? कि इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक, कोई माध्यम हो सकता है, सघन माध्यम, विरल माध्यम, कांच का माध्यम या पानी का माध्यम, कोई भी माध्यम हो सकता है, तो उसका जो अपवर्तनांक n है, n से दिखाया जाता है अपवर्तनांक को, ध्रुवण कोण IP की स्पर्शजीया के बराबर होता है। देखिए, ध्रुवण कोण होता है और IP होता है ध्रुवण कोण, इसकी स्पर्शजीया के बराबर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ध्रुवण कोण होता क्या है आखिरकार। ध्रुवण कोण आपको पता होना चाहिए, ध्रुवण कोण क्या होता है कि आपतन कोण के उस न्यूनतम मान को जिसके लिए परावर्तित किरणें, ठीक है, परावर्तित प्रकाश किरणें का मान, किरणों का मान पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। चलिए चित्र के माध्यम से समझाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा, पहले चित्र बनाते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखिए, चित्र बन चुका है। तो देखिए, ये वायु है, ये कोई माध्यम है, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक क्या है? एन है। क्लियर है? तो देखिए, हम बात कर रहे थे ध्रुवण कोण की। तो ध्रुवण कोण क्या होता है कि देखिए आपतन कोण, अब देखिए ये जो कोण बनना है, ठीक है, अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के मध्य जो कोण बनना है वो है IP यानी कि आपतन कोण, और ये भी हमारा होगा IP यानी आपतन कोण, ठीक है? तो कह रहा है कि आपतन कोण के उस न्यूनतम मान के लिए जिसके लिए परावर्तित प्रकाश किरण का मान पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, ध्रुवण कोण कहलाता है। मतलब आपतन कोण ये होगा, तो आपतन कोण के उस मान के लिए जिसके लिए परावर्तित किरणों का मान जो है पूर्णतः समतल, ये देखिए समतल ध्रुवित होता है, ध्रुवण कोण कहलाता है। क्लियर है इतना? तो देखिए, अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये डिग्री, ये 90 डिग्री, ये सिद्ध करना है कि ये 90 डिग्री के बीच होता है। वही तो बोल रहा था। देखिए क्वेश्चन में, यहाँ देखिए कि सिद्ध कीजिए कि ध्रुवण कोण पर आपतित होने वाली किरणें, तो देखिए ध्रुवण कोण है ये ध्रुवण कोण है, तो इस पर आपतित होने वाली किरणें, अब देखिए तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं, ठीक? तो ये परावर्तित किरणें क्या, परस्पर लंबवत होती हैं, तो ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर है इतना? अब चलिए इसको बताते हैं, इसकी व्याख्या करनी है। अब देखिए, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये अपवर्तित प्रकाश किरण है, ये आपतन कोण है, ठीक है? ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, क्लियर है? आर जो है हमारा। अब चलिए इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, प्रूफ करते हैं। तो गणितीय व्याख्या करनी होगी, चलिए हम यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख लेते हैं। तो चलिए देखिए, माना आपको कुछ मानना पड़ेगा, तो माना कोई, पहले हम लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं उसके बाद। अब यहाँ देखिए, गणितीय व्याख्या थी हमारी, क्या थी? गणितीय व्याख्या, क्लियर है? गणितीय व्याख्या मतलब प्रूव करना है, तो आप डाल सकते हैं हेडिंग क्या था कि माना कोई, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जो आपको बढ़िया क्लियर समझ में आए, ठीक है, हल्का सा करते हैं, ठीक। तो देखिए, माना कोई प्रकाश किरण एन अपवर्तनांक वाले माध्यम, अब देखिए ये माध्यम है, इसका अपवर्तनांक क्या है? एन है, तो ये कोई आपतित प्रकाश किरण है, तो वही तो बोल रहा है कि माना कोई प्रकाश किरण, अब देखिए प्रकाश किरण ये है, एन अपवर्तनांक है और माध्यम है, इस पर आपतित हो रही है, तो वही बोल रहा है अपवर्तनांक वाले माध्यम के पृष्ठ पर। अब देखिए पृष्ठ ये, ध्रुवण कोण भी है ये, ध्रुवण कोण IP पर आपतित होती है, तो ये IP पर आपतित हो रही है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? स्नेल के नियम से, ठीक है, स्नेल का नियम यदि आपको नहीं पता तो स्नेल का नियम जान लीजिए, स्नेल के नियम से। क्लियर है? देखिए फिजिक्स का टोटल वीडियो देखेंगे तो उसमें स्नेल का नियम का वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिए। तो स्नेल के नियम से क्या क्या कहा था स्नेल ने, कि
साइन आईपी और साइन आर मतलब आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण का अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब आपतन कोण की जिया तथा परिवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है। देखिए आपतन कोण की जिया तथा परावर्तन कोण की जिया यानी कि आपतन कोण क्या है, साइन आई होता है ना आपतन कोण, तो यहाँ पे क्या है आपतन कोण आई पी है। ये देखिए आपतन कोण क्या है आई पी, तो साइन आई पी अपॉन साइन आर इसका नियतांक, इसका अनुपात एक नियतांक होता है यानी कि एन, ये होता है, यही कहा था स्नेल के नियम ने, मतलब स्नेल ने यही कहा था। तो एन इज इक्वल टू सीधा लिख लेते हैं इसको, साइन आई पी अपॉन साइन आर, ठीक है। तो चलिए इसको नेक्स्ट, या आप इसको स्मॉल बना सकते हैं, स्मॉल बढ़िया रहेगा। अब चलिए इसको नए पेज में लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो हमने न्यू पेज में लिख लिया है, आप इसको मान लीजिए समीकरण एक। अब आपको दूसरे में क्या लेना, ब्रूस्टर के नियम से, किससे, ब्रूस्टर के नियम से। ब्रूस्टर का नियम क्या है, एन इज इक्वल टू टेन आई पी, क्लियर है इतना। इसको मान लीजिए आप समीकरण दो, तो समीकरण एक में समीकरण दो की तुलना कीजिए। आप देखिए दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना दोनों के, एन एन है, तो इन दोनों के राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, तो इनकी तुलना करके लिख लेते हैं। तो समीकरण एक वे दो की तुलना करने पर, तो हम कर लेते हैं राइट हैंड साइड को बराबर, यानी कि साइन आई पी अपॉन साइन आर इज इक्वल टू टेन आई पी, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि चूंकि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आपने हाई स्कूल मैथ से पास किया तो आप इस फॉर्मूले को जानते हैं, और यदि आप अभी मैथ पढ़ें तब भी इस फॉर्मूले को अच्छी प्रकार से आप जानते होंगे। तो इसके स्थान पर पुट कर दीजिए ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इतना ऐसे रखिए, साइन आई पी अपॉन साइन आर, क्लियर है इतना, इसको ऐसे रखिए। इसके स्थान पर रखना पड़ेगा साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी, क्योंकि थीटा क्या है आई पी है, तो रखना पड़ेगा साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी, क्लियर। देखिए टेन थीटा जो साइन थीटा अपन कॉस थीटा, जब थीटा क्या है आई पी, तो साइन आई पी अपन कॉस आई पी आएगा। अब इस साइन आई पी से ये साइन आई पी कैंसिल हो जाएगा, इतना आपको पता होगा, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन अपॉन क्या बचेगा, साइन आर इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा वन अपॉन कॉस आई पी, क्लियर है इतना। अब आपको क्या करना है, बेसिकली इसको देखिए ऊपर कर पलट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन आर इज इक्वल टू कॉस आई पी, क्लियर है। अब इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, जैसे देखिए कॉस आई पी इज इक्वल टू साइन आर, ठीक है, हमने ऐसे कर लिया इसको, ठीक है। तो देखिए अब इसको ऐसा मान रखिए यहाँ पे कि साइन हमारा कैंसिल हो जाए, तो हमारा सीधा वैल्यू हमारा आ जाएगा। जैसे एक फॉर्मूला जानते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, क्लियर है इतना। ये फॉर्मूला आप यहाँ फुट कर दीजिए, थीटा थीटा क्या है आई पी, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, कॉस आई पी के स्थान पर साइन 90 माइनस आई पी, ये रखना पड़ेगा ना, साइन 90 माइनस आई पी इज इक्वल टू साइन आर। देखिए कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, मतलब जो थीटा है वो 90 में से माइनस कर देने हैं, ठीक है। तो कॉस आई पी थीटा क्या है आई पी, तो आई पी कितना है 90 माइनस आई पी, ठीक है, 90 माइनस अगर थीटा माइनस हुआ है तो कॉस थीटा क्या है आई पी, तो 90 में से थीटा को माइनस करेंगे तो कॉस साइन आई पी हो जाएगा, क्लियर है। अब इस साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 90 माइनस आई पी इज इक्वल टू आर, ये लिख सकते हैं आप, आर प्लस आई पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर है। तो यही हमें प्रूफ करना था गाइस, तो देखिए आ चुका है, ठीक है। अब चित्र में एक बार आपको दिखाते हैं क्या प्रूफ करना था। तो देखिए गाइस यही तो हमें प्रूफ करना था कि आई पी और आर जो इनका योग 90 डिग्री मतलब परस्पर लंबवत होंगी ये किरणें। तो देखिए ये और ये तो ये परस्पर क्या है, लंबवत, हमने प्रूफ पीछे कर दिया है, ठीक है। यदि आपको इस वीडियो में कहीं पे कोई भी डाउट आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि आपको कोई टॉपिक है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो मिलेंगे चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।